श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान ते सांसद सुखबीर सिंह बादल, साबका मंत्री ते सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपनी अमृतसर फेरी दौरान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे मत्था टेकिया अते श्री अकाल तख्त साहिब विखे रखे अखंड पाठ दे भोग समय हाजरी भरी। इस दे उपरांत पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां आख्या कि केंद्र सरकार बयानबाजी बंद करे अते किसान विरोधी खेती बिलां नूं वापस ले। पंजाब विच हो रहीआं चोणां बारे उन्हां आख्या कि इन्हां चोणां विच श्रोमणी अकाली दल वड्डी जित हासिल करेगा, पंजाब सरकार हर फ्रंट ते फेल रही है। जो तोमर साहब का बयान है वो सियासी बने बयान है, वो आप जानते हैं कि सारे देश विच विरोध है। पुणे बहुत वड्डा महाराष्ट्र का कट होया सी, बंगाल विच बहुत वड्डे कट होए हैं, क्योंकि यह दिल्ली के नेड़े जो सूबे है उस किसान पहुँच सकते हैं, ताइयों उत्थे पहुँचे। बाकी हर स्टेट के मैं तोमर साहब को दूजा सवाल पूछता कौन है, एक किसान जथेबंदी हिंदुस्तान का नाम लै लियो जिन्हें यदा स्वागत किया, एक भी किसान जथेबंदी, एक भी पोलिटिकल पार्टी जी किसानी में संबंधित है जिन्हें स्वागत किया, अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। सो मैं यही कहना कहना कि देश के प्रधानमंत्री को दुनिया की आवाज़, देश की आवाज़, देश के किसान की आवाज़ सुननी चाहिए है, जिद नहीं फड़नी चाहिए, इमीजिएटली सारे कानून विड्रॉ करने चाहिए। दूजी गल मैं कहना चाहना है कि जेडे आ कमेटी के इलैक्शन उन्हें डिकलेयर किया, मुख्यमंत्री कहना चाहना जे तुसी कागजी नामजद नहीं कराने से, जे तुसी कागजी रिजेक्ट कराने से ऑपोजिशन के, ऑपोजिशन के कागज भरने नहीं देने से, तो फिर तुसी नॉमिनेट ही कर देंगे, फिर इलैक्शन कराने का फायदा की है। तो हुण तुसी अफसर अपने पुलिस राही जिन्हें श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट है उन्होंने धमका रहे हैं, इन जिहड़ा बेचारा इनकम सेल टैक्स का डील करता उहदे सेल टैक्स रेट पै गए, जिहड़े कोले कोई बिजनेस है पोल्यूशन की रेट पाई जाते हैं। अज चोणां जिहड़े एक एक डेमोक्रेटिक राइट होंदी है, फ्री एंड फेयर इलैक्शन कराने जोगे भी नहीं है सरकार रही, जितने वास्ते इन्हों जोर तो जबर का सहारा लेना पैंदा हैगा। तो एक पार्टी के प्रधान के उत्ते हमला होए, जिहड़ा उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं होम मिनिस्टर, जे इस लैवल के उत्ते शरेआम गोलियां चलन पथराव किया जाए तो अज ये ही अंदाजा लिया जा सकता है कि जिदे को बेचारे की किसी की पहुँच नहीं है उस गरीब का की हाल हो रहा होगा इस सरकार के उत्ते। तो बहुत ही शर्मनाक गल कि ये अपने लोगों नू अपना लोकतांत्रिक हक इलैक्शन लड़न का वो वास्ते इन्हों पहले नामकरण नहीं किया जा रहा है, कागज़ रद्द किए जा रहे हैं, जोर जबर के ना डराया धमकाया जा रहा है, सब कुछ जरा उ अपने पंचायती चोणों से उ सब कुछ हो रहा है।